नमस्कार अध्यापक बंधुओं, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां आप मुझे सर्च कर सकते हैं अम्बरीश शुक्ला के रूप में। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करता हूं आज के वीडियो की। और आज का वीडियो है शुद्ध अशुद्ध शब्दों पर, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न तो इससे पूछा ही जाता है, तो इस परीक्षा में भी पूछा जाएगा। लेकिन ये काफ़ी सरल प्रश्न होते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं आप सब। तो ये छोटा सा वीडियो है और देख लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपके यहीं से ही आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जैसे पहला शब्द है आपका आगामी, तो शुद्ध क्या होता है? दीर्घा की मात्रा, गा और मी, आगामी। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है आ आधा न, आधा ता होता है अंत्याक्षरी में। आविष्कार होता है, तो आविष्कार में आपका मूर्धन्याधाशा होता है। आशीर्वाद होता है, तो आशीर्वाद में शामे बड़ी की मात्रा और वा के ऊपर रा होता है, ये ध्यान रखना है। और जो अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, दीर्घ की मात्रा ना में नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होता है अनधिकार। अधीन नहीं सही होता, सीन आपका शुद्ध होता है अधीन। रिपिका नहीं शुद्ध होता, रिपिका शुद्ध होता है। दीवाली, तो दीवाली या दीपावली दोनों शुद्ध है, लेकिन जो शुद्धतर रूप में आता है दीवाली। अतिथि, अतिथि शुद्ध है। कालिदास, कालिदास नहीं होता, होता है कालिदास। और शब्दों को लेते हैं, जैसे एक शब्द है आपका दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता, वा का भी प्रयोग किया जाता है दुर्वस्था। लीजिए होता है, क्या होता है? लीजिए, बड़ी की मात्रा। शताब्दी होता है, बड़ी की मात्रा। सूची पत्र होता है, बड़ी की मात्रा चा में। वाल्मीकि होता है, की में छोटी की मात्रा। हिजड़ा होता है, हिजड़ा, अड़ा की नवी बिंदी और ह में छोटी की मात्रा। नूपुर होता है, नामे बड़ाऊ की मात्रा। नेहरू होता है, रामे बड़ू की बड़ाऊ की मात्रा रहती है। रुई, रामे छोटाऊ की मात्रा होती है। रुपया, रामे छोटाऊ की मात्रा। जरूरत होता है, तो अर्थात रामे बड़ाऊ की मात्रा होती, तो ऊ की मात्रा से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। हंस, तो हंस जो शुद्ध रूप है वो चंद्र बिंदी नहीं होगा, केवल अनुस्वार होगा इस पर। दुख में दो बिंदी बीच में रहेगी। यमुना, ज नहीं होता, यह होता है। जोग नहीं, योग होता है। कनिष्ठ, मूर्धन्यशा। फिर उसके बाद गरिष्ठ, ठ होता है याद रखिएगा। वशिष्ठ होता है। अंत्येष्टि होती है, ट नहीं होता। अभीष्ट होता है, यहाँ रखिएगा ध्यान, ट होता है। नवाब होता है, विधि होती है। और शब्दों को लेते हैं, तो और शब्द आपके हैं तो मित्रों ये एक बार आप देख लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम और शब्दों को लेते हैं जिनमें क्षत्रिय, तो क्षत्रिय कैसे लिखा जाता है? छ, त्र में छोटी की मात्रा। बहुब्री ही होता है, तो बा में बड़ी की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा। अनूदित, ना में बड़ाऊ की मात्रा और दा में छोटी की मात्रा, अनूदित नहीं होता। और उद्यम नहीं होता, बड़ाऊ की मात्रा होती है उद्यम। ऊष्मा होता है, बड़ाऊ की मात्रा। तूफान, गुरु होता है, रा में छोटाऊ की मात्रा। धुआं, चहार दीवारी होता है, तो चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता। और भागीरथी होता है, भगीरथ नहीं होता। ठीक है, चलिए और शब्दों को लेते हैं। तो और शब्दों में हम देखें, रुपया होता है छोटाऊ की मात्रा, र में। जरूरत, र में बड़ाऊ की मात्रा। अनुग्रहीत, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसमें री की मात्रा होती है ग में। पैतृक होता है, री की मात्रा। ऋतु, छोटाऊ की मात्रा ता में। संग्रहित, गृह होता है, ग्रह नहीं होता है। साधु, छोटाऊ की मात्रा, साधु नहीं होता। त्यौहार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो त्यौहार में औ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा होती है त्यौहार में। न्योछावर में औ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा होती है न्योछावर। ऊंचा, ऊंचा में चंद्रबिंदी होती है, फांसी में चंद्रबिंदी। भूकना और भौंकना दोनों सही है।
और महंगा, महंगा में चंद्रबिंदी होती है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नवाब, नवाब में व में बड़ा की मात्रा, विधि होती है, ब नहीं होता। वीरेंद्र होता है, बल्ब होता है, दोनों ब होता है। अंतर्धान कई बार पूछा गया है, तो अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान एकदम साफ साफ आधा ना होता है। केंद्रीकरण होता है या नहीं होता। अंत्याक्षरी, कवयित्री कई बार पूछा गया है। गृहस्थ होता है, गृहस्थ या नहीं होता। गृह उसके बाद सदृश होता है, सामर्थ्य। वेशभूषा, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और प्रश्नों को ले लेते हैं। कलश, तो कलश जो होता है तालव्यशा। सुपर्णखा, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता। गृहीत होता है, जागृत होता है, री की मात्रा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागृत जो आप सब प्रयोग करते हैं, जागृत होता है। तड़ित में हलंत, दधीच द्वारका होता है, द्वारिका नहीं। उच्च शंखल होता है, ज्योत्सना और तत्व, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुछ और शब्दों को ले लेते हैं, तो आपका सर्जन होता है, श्रृंगार में केवल एक होता, नीचे से वो री नहीं लगाया जाता। श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं होता। सौहार्द होता है, सौहार्द्य नहीं होता। आनुषंगिक होता है, अर्थात मूर्धन्यषा होता है। असह्य होता है, प्रफुल्ल। संन्यास, अनाथा, तो अनाथिनी का अनाथा होता है। कोमलांगी होता है, नी नहीं होता, कोमलांगिनी नहीं होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद सत्वगुण, तो सत्वगुण बहुत महत्वपूर्ण है। सानंद होता है, सानंदित नहीं होता। और गांधी जी में केवल गांधी होता है और जी अलग होता है, और यहाँ चंद्रबिंदी होता है। पांचवा में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अब और शब्दों को ले लेते हैं, जैसे ज्योत्सना, तत्व, सत्व, महत्व। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता। द्वंद्व होता है, दोनों में वा। ब्रज होता है, महत्वाकांक्षा होता है। विभीषिका होता है, मूर्धन्यषा। प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित। प्रदर्शनी होता है, ब्रजभाषा। याज्ञवल्क्य होता है, तो याज्ञ होता है, व आधा लक, आधा क्या, तो आधा ल और आधा का लगातार होता है। सिंदूर होता है, और प्रश्नों को लेते हैं, तो जैसे फिर आपका अश्वा होता है, अश्वी नहीं होता। और उसके बाद छत्र छाया, तरुच्छाया, तदुपरांत होता है, पुरस्कार होता है। दंतिशा, भास्कर दंतिशा, उज्ज्वल, दो आधा जा। चक्षुरोग, छोटा नहीं बड़ाऊ होता है। नीरस, बड़ा ई की मात्रा, नीरस। निरोग होता है, निरोग नहीं होता है। मनः कामना, अलग अलग लिखना है। एक तारा नहीं होता, एक तारा सही होता है, ठीक है। फिर कुछ और शब्द हैं, जैसे इसमें एक तारा, निर्दोष और निर्दय। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ सब आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जाके अच्छे से एग्ज़ाम दें और निश्चित तौर पर सफल होकर ही आएँ। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि सरल प्रश्नों को बहुत ही ठंडे मन से सॉल्व करिएगा, क्योंकि सरल प्रश्न ही आप गलत करते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि पिछली बार भी उन्होंने पेपर दिया था, लेकिन 4-5 प्रश्न उनके आते हुए गलत हुए थे। तो इस बार आपको अपने आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करना है, बहुत आसानी से करना है। पहले आपको अपने बुकलेट पर टिक कर लेना है, उसके बाद OMR भरना है। OMR भरते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी का जो भाषा चयन करना है, उनके उत्तर नंबर जो है वो ठीक से अंकित करने हैं। इसी तरह से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।